शक्ति का दूसरा नाम नारी है और एक नारी सब पे भारी है। शक्ति ही मेरी पहचान है और मेरा नाम और परिचय यही है कि मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी की बैरिस्टर बोंदिता अनिरुद्ध रॉय चौधरी हूं और उनकी नवब्याहता भी। और एक पत्नी तो अपनी पति की जान यमराज से छुड़वा कर लेकर आई थी, तो फिर आप और ये कचहरी क्या छीनेंगे मुझसे मेरे पति बाबू को? आपने बताया नहीं त्रिलोचन बाबू के यहाँ पे ऐसा मजाक करने वाले? अच्छा है, अच्छा अभी हंस लीजिए। अनिरुद्ध को फांसी होने के बाद तो रोना ही है जीवन भर। रुमाल है आपके पास? नहीं है, ये लीजिए, ये रख लीजिए, क्योंकि हारने के बाद आपको आपके आंसू पोंछने में काम आएगा ये। लीजिए। रोने का काम तुम कमजोर औरतों का है। और आपको क्या लगता है त्रिलोचन बाबू, धुरंधर बैरिस्टर सुबोध चटर्जी की दलीलों के सामने एक लड़की टिक पाएगी? 15 सालों से इस पेशे में हूं, एक केस नहीं हारा हूं आज तक। आज तक नहीं हारे हैं ना, तो आज हारेंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो शुरुआत होती ही है ना। और आपके लिए बैरिस्टर सिर्फ ये मुकदमा और ये पेशा है, पर मेरे लिए ये मेरा इम्तिहान और मेरे प्यार की जीत है। मैं मुकदमा दिल से नहीं दिमाग से लड़ता हूँ। मेरे सामने कितने आए कितने चले गए, तो एक लड़की को तो सूखे पत्ते की तरह उड़ा दूंगा मैं। एक आंधी को सूखा पत्ता समझने की भूल करेंगे ना, तो आपकी ये दलीलें इस कचहरी में उड़ जाएंगी। और बैरिस्टर तो बस बैरिस्टर होता है, लड़का या लड़की नहीं। आप तो 15 साल से इस पेशे में है और इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में है आपको? तू भी ना बोन देता, इन्हें पति बाबू जैसे अच्छे शिक्षक नहीं मिले होंगे। तुम्हें जो समझना है समझो, पर मैं एक लड़की के सामने केस नहीं लड़ूंगा। अरे अब तक तो मैंने अपना पक्ष भी नहीं रखा और आपने अभी से अपने घुटने टेक दिए। वैसे अच्छा है, अगर आप बिना लड़े ही चले जाएंगे ना, तो आपका ना हारने वाला रिकॉर्ड बना रहेगा। अच्छी बात है। देखो लड़की, बैरिस्टर बोंदिता अनिरुद्ध रॉय चौधरी, देखिए आप लड़े या ना लड़े ये आपकी मर्जी है। एक लड़की से हारने का डर है, डरिए, ये आपकी मर्जी है, पर कानून मुताबिक आप मुझे लड़ने से रोक नहीं पाएंगे। तो फिर अब आपके पास सिर्फ दो विकल्प हैं, या तो आप लड़िए या फिर पीठ दिखाकर भाग जाइए। ठीक है, मैं भागूंगा नहीं। तुम्हारे पति को फांसी के फंदे तक पहुंचाकर तुम्हारा सिर झुकाऊंगा। मेरा वादा है तुमसे कि तुम्हें ऐसा हराऊंगा कि तुम्हारे पति के गले में पड़ने वाला फांसी का फंदा तुम्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि यह ब्लैक रोब पहनकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि कोई भी औरत आइंदा मर्द का काम करने के पहले 10 बार सोचेगी। बैरिस्टर बनना तो बहुत दूर की बात है, वो इस पेशे में आने का सोचेगी तक नहीं।
वो वही करेगी जो उसे करना चाहिए। परिवार पालना, चूल्हा चौका, पूजा पाठ, बच्चे पैदा करना, उन्हें पालना। तुम 6 गज की साड़ी पहनने वाली औरत, तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, इस रूप को पहनने के लिए कितनी कुव्वत चाहिए। तो मैं भी आपको चुनौती देती हूं, इस मुकदमे के बाद मेरी जैसी कई बौंदिताएं इस कचहरी में अपने दस्तक देंगी और बैरिस्टर बनकर अपनी पहचान बनाएंगी, और आप जैसी छोटी और खोखली सोच रखने वाले आदमियों के दुनिया को तहस नहस कर देगी, और ये साबित कर देगी कि औरत बैरिस्टर किसी आदमी बैरिस्टर से कम नहीं है। और हाँ, जो लड़की 6 गज की साड़ी में अपने घर की लाज समेट सकती है, वही लड़की इस कचहरी में 2 गज के रोक के साथ सच और न्याय की भी लाज रख सकती है। मुझे स्वीकार है तुम्हारी चुनौती, बंदिता रॉय चौधरी। इस बैरिस्टर के पेशे में भूलने की आदत अच्छी नहीं लगती। मैंने आपसे क्या कहा था? बैरिस्टर बंदिता अनिरुद्ध रॉय चौधरी, मेरा पूरा नाम। बेटा, बस अब तुम्हारा ही सहारा है हमारे अनिरुद्ध को बचा लेना। आप चिंता मत करिए काका ससुर जी, मैं पति बाबू को बचा कर ही लेकर आऊंगा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बेटा, झुक झुक जियो, झुक झुक जियो। अच्छा बेटा, हम क्या करें? अरे अब गलती से हो गया, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, जाओ बेटा पानी। अरे सुनो सुनो, रुको रुको, हम कह रहे हैं तुम जाओ गुसलखाने में जाके साफ करके आ जाओ जल्दी से, जाओ। नहीं काका ससुर जी, अभी समय नहीं है, और इस कचहरी में औरतों का गुसलखाना भी नहीं है। तो कहाँ जाते हैं? वो दूर लाइब्रेरी के पास जाना पड़ता है, और 11 बजे यानी 15 मिनट बाद पति बाबू के मुकदमे को खोलने की अर्जी जज के सामने दाखिल करनी है। अरे, और जब तक इस मुकदमे को खोलने की आज्ञा नहीं मिल जाती, मैं तब तक पति बाबू को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। काका ससुर जी, मैं अभी आई। हाँ बेटा। बहुत अभिमान है इसे अपने 6 गज की साड़ी पर, इसका घमंड तो मैं तोड़ूंगा। गुसल खाने नहीं जा रही है क्योंकि समय कम है, ठीक है? तो अब कुछ ऐसा करो कि इसे भागना पड़े गुसल खाने की ओर। जी सर। फिर मैं देखता हूँ कि कैसे पेश होती है इसके पति के मुकदमे की अर्जी जज के सामने। ये लीजिए प्रसाद, महालय पे दुर्गा माँ बैठाई है, उसी का प्रसाद है। धन्यवाद, आज मुझे दुर्गा माँ का आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है।
ये मेरे पेट में अचानक से मरोड़े क्यों उठ रही है? क्या हो रहा है अचानक से? कब तक पेट पकड़ कर खड़ी रहोगे पंडिता रॉय चौधरी? अब तो तुम्हें भागना ही पड़ेगा गुसल खाने। अरे भाऊ, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? काका ससुर जी, मैं बस अभी आई। अरे लेकिन अभी तो कार्यवाही शुरू होने का समय हो रहा है भाऊ। मैं जानती हूँ काका ससुर जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। सुनिए, ये अनिरुद्ध रॉय चौधरी का मुकदमा लड़ने वाली उसकी पत्नी, जो इस क्षेत्र की पहली महिला बैरिस्टर भी है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही? हाँ, अभी थी तो यहीं, पर पता नहीं कार्यवाही शुरू होते ही कहाँ गायब हो गई। शायद डरकर भाग गई होंगी। अब आप तो जानते ही हैं कि बैरिस्टरी का पेशा बड़े मजबूत दिल वालों का पेशा है, और औरतें तो होती ही हैं, स्वभाव से डरपोक। सब खड़े हो जाइए, जज साहब आ रहे हैं। कार्यवाही शुरू होने वाली है काका, और बॉडी भी कहीं नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ गई है। अरे बस भूल के गई है, अभी आ रही है, आ रही होगी। यहाँ तो ताला लगा है, अब कोई है? चपरासी बाबू, चपरासी बाबू जल्दी आइए, मुझे मुझे इसकी चाबी दीजिए ना। वो मेरे पास नहीं है। क्या? तो कहाँ है? शायद चाबियां रखने वाली जगह पे पड़ी होगी। मैं अभी लेके आता हूँ, आप यहीं रुकिए, ठीक है? जल्दी चाहिए। आरोपी को पेश किया जाए। ये पोंदिता बहू आई क्यों नहीं अब तक? ये बचाव पक्ष की अर्जी को रोकने के लिए कागज हैं ऑनरेबल जज साहब। मुजरिम के बैरिस्टर को अपील दाखिल नहीं करनी है। कहाँ है उनके कागजों की फाइल? जज साहब, अभी बस दो मिनट में आ रही है। जज साहब, मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। हम बेवजह अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ठीक 11 बजे मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तब तक मुजरिम के बैरिस्टर ने कागज दाखिल नहीं किए तो आज की सुनवाई स्थगित कर दी जाएगी, और दोबारा मुकदमा खुलवाने के अपील के लिए तारीख नहीं दी जाएगी। नहीं, नहीं। बेटा सोमनाथ, जाके देख वंदिता बहू को, जल्दी लेके आ। 11 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। चाचा जी का वंदिता ऐसी जरूरी कार्यवाही छोड़कर कहाँ जा सकती है? कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। हे दुर्गा माँ, रक्षा करना मेरी वंदिता की। मतलब उस प्रसाद में पेट खराब करने वाली दवाई मिलवाई गई है, और ये घटिया हरकत उस सुबोध चटर्जी की है।
ये सिर्फ मेरा समय बर्बाद करने की कोशिश है ताकि मैं मुकदमे के कागज जज के सामने ना रख पाऊं। क्या करूं मैं? सुनत कहाँ है? मिली नहीं काका, बॉडी कहीं नहीं दिखी। माफ कीजिए जज साहब, आपका और कचहरी का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। मैं तो कहूंगा कि आप कर दीजिए कार्यवाही स्थगित, क्योंकि अगर अब औरतें मुकदमा लड़ेंगी तो देर तो होगी, क्योंकि वो चलेंगी तो दुल्हन की तरह नाजुक चाल से धीरे धीरे। और हाँ, वो सजने संवरने में भी तो समय लगेगा। ऑर्डर ऑर्डर जज साहब, वो पहला मुकदमा है तो लाली पाउडर बिंदी वगैरह सब तो लगाना ही होगा, गहने भी पहनने होंगे, क्योंकि अखबार में तस्वीर जो छपवानी है। ऑर्डर ऑर्डर अंधता ऐसी बिल्कुल नहीं जज साहब। हाँ, वो एक औरत है, एक औरत जो अपने रिश्ते और जिम्मेदारियां दोनों निभाना भली भांति जानती है। जज साहब, वंदिता एक काबिल और जिम्मेदार बैरिस्टर है। जज साहब सही कहा इन्होंने, हमारा समय खराब करने की वही जिम्मेदार है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको फांसी हुई तो उसके जिम्मेदार भी वही होंगी। लाली पाउडर और बिंदी लगाकर कचहरी का समय खराब करने वालों में से नहीं बोंदता, वो एक समझदार बैरिस्टर है। अगर वो यहां नहीं आ पा रही तो जरूर कोई वजह होगी, कोई कारण होगा। रुको, ये आदमी लोगों का गुस्सखाना है, अभी तक यहीं खड़ा है। तुम समझता क्यों नहीं है, आदमी लोगों का जगह पे औरत नहीं आ सकता है। अब जाओ। और आप अपनी जबान पर अब लगाम लगा लीजिए। लगाम तो आप लगाइए अपनी पत्नी को, पांव बांधिए उसके। यूं औरतों को बाहर छोड़ देना ठीक नहीं होता, उससे वही काम करवाइए इसके लायक है वो। और ये आप तय करने वाले कौन होते? आप तय करेंगे औरतों के लिए क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या सही, क्या गलत? औरतों को लगाम की नहीं, उड़ान की जरूरत है। उस उड़ान की जिसे आप जैसा आदमी कभी समझ नहीं पाएगा। गिरा दी मैंने आदमियों की तख्ती, गिरा दी मैंने आदमी और औरत के बीच की दीवार, मिटा दी मैंने वो लकीर जो आदमी और औरत में भेदभाव करती है। अब आदमी और औरत दोनों बराबर है, और ये घुसल खाना ना ही आदमियों का है ना ही औरतों का। बात समझ आई? आ जाके
स्टैंड।